लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि दिल्ली को दिल्ली क्यों कहते हैं, ये नाम आखिर पड़ा कैसे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हमें 3,500 साल पुराने मिले हैं, लेकिन अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो महाभारत में जिस इंद्रप्रस्थ का जिक्र आया है, कहते हैं खांडवा जंगल को हटा के पांडवों ने वहां पर अपनी राजधानी बसाई जिसका नाम उन्होंने इंद्रप्रस्थ रखा। तो ऐसा माना जाता है कि इंद्रप्रस्थ वही है जहां पर आज की तारीख में पुराना किला मौजूद है। इनफैक्ट आयने अकबरी के अंदर अबुल फजल ने ये लिखा है कि कौरव पांडव का एक किला मौजूद है जहां पर हुमायूं ने आके दीनपना शहर बसाया, जिसको अब हम पुराना किला या इसके आसपास जो दिल्ली शेरशाही का इलाका है उसके नाम से जानते हैं। 3rd century BC के अंदर जो अशोका ने एडिक्ट्स लगवाए थे, उनमें से एक एडिक्ट ईस्ट ऑफ कैलाश में इस्कॉन टेंपल के पास लोटस टेंपल के बिल्कुल पीछे मौजूद है। यहाँ पे कालकागढ़ी और कालका मंदिर है। तो ऐसा हो सकता है कि 3rd century BC के अंदर ये जगह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड टाउन रही होगी। कालकागढ़ी और कालका मंदिर शायद उतने पुराने हों। इसके बाद जो अगला रेफरेंस हमें मिलता है वो है 60 या 50 BC का राजा ढिल्लू या राजा दिलीप नाम का जिक्र आता है, जो कहा जाता है कन्नौज के राजा थे और इनके गवर्नर ने इंद्रप्रस्थ के पास एक शहर बसाया जिसका नाम उन्होंने अपने राजा के नाम पे ढिल्ली का या ढिल्ली रखा। अब क्लॉडियस टॉलमी अलेक्जेंड्रिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, जिन्होंने एक मैप तैयार किया। तो जब वो इंडिया आए, इंडिया का जब वो मैप बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि इंद्रप्रस्थ के पास डाइडाला नाम की एक जगह है जो मथुरा और थानेश्वर के बीच में पड़ती है। तो यहाँ से ये क्लेम थोड़ा सा और कन्फर्म हो जाता है। क्लॉडियस जो है वो राजा ढिल्लू के करीब 200 साल के बाद आए थे, जो डेट्स के रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास जिक्र आता है मिहिरापुरी का, जैन पटावलीज में इसका जिक्र है। मिहिर का मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य का कोई मंदिर था और उसके आसपास जो शहर बस गया उसका नाम पड़ा मिहिरापुरी। आगे चल के इसी जगह का नाम हुआ मेहरौली, जहाँ पर अनंगपाल तोमर ने 7वीं शताब्दी में अपनी राजधानी बनाई। और कहा जाता है कि दिल्ली का जो शहर था वो शायद यही वो शहर था जिसका नाम आगे चल के मेहरौली हो गया। और मेहरौली नाम के पीछे भी बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि मेहरेवली, क्योंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह की दरगाह है वहाँ पे, तो मेहरेवली से मेहरौली हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि योगमाया माता का मंदिर है वहाँ, जिनको मेहरावली माई भी कहा जाता है, तो मेहरावली से मेहरेवली हुआ। हमारे पास 14वीं शताब्दी की एक इंस्क्रिप्शन है जो पुराने किले के म्यूजियम में पड़ी हुई है। उसमें कहा गया है देशोस्ती हरियाणा आख्यों पृथ्वियां स्वर्ग सनिब ढिल्ली काख्यापुरी तत्र तोमर रस्ते निर्मता। तो यहाँ ढिल्ली का पुरी का एक जिक्र आया है कि देश हरियाणा जो पृथ्वी में स्वर्ग के समान है, वहाँ ढिल्ली का नाम की एक पुरी है जो तोमरों ने निर्मित की है। लेकिन इस नाम ढिल्ली के साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगी वो ये थी कि राजा अनंगपाल तोमर को बताया गया कि एक पुरानी प्रथा चली आ रही है, एक बात है कि पृथ्वी जो है वो वासुकी नाम के नाग के फन पर टिकी हुई है और इस नाग के फन पर पृथ्वी को टिकाने के लिए एक कील लगाई गई है। ये कील आपके राज्य में है राजा अनंगपाल, और अभी जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है आज की तारीख में जो मौजूद है वहाँ पर जो आयरन पिलर है, जो लौह स्तंभ है, तो उन्हें बताया गया ये लौह स्तंभ वही कील है जो पृथ्वी को वासुकी के नाग पर रोक के रखे हुए है। तो उन्होंने चेक करने के लिए ये कहा कि ठीक है इस कील को निकाल दिया जाए, देखते हैं क्या होता है। लोगों ने मना किया, नहीं प्रलय आ जाएगी, पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी, पृथ्वी लुढ़क जाएगी, पर उन्होंने उस कील को निकलवाया। कहते हैं कि जैसे ही उस स्तंभ को निकाला गया तो उसके नीचे उनको लाल रंग मिला, जो उन्हें लगा कि शायद ये उस नाग के फन का खून है। तो सचमुच में ये कील उस नाग के सर में लगी हुई थी। इससे वो घबरा गए और उन्होंने कहा इस कील को फटाफट वापस लगा दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने वापस लगाने की कोशिश की तो वो कील सही से बैठी नहीं, वो ढीली रह गई। तो कहा जाता है कि उस ढीली किल्ली की वजह से ढिल्ली का नाम पड़ा। बल्कि पृथ्वी रासों में एक श्लोक आता है, हूँ गड़ गयो किल्ली सजीव हल्लाए करे दिल्ली सहीब, फिर व्यास कहे सुन अनंग राय भित वे बात मेटी ना जाए। तो दिल्ली को दिल्ली क्यों कहते हैं इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है। सबसे जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें मिला है मेरे हिसाब से वो राजा ढिल्लू के साथ जो एसोसिएशन है वही मिलता है। लेकिन राजा ढिल्लू के ऊपर अभी और रिसर्च करने की ज़रूरत है। कहा जाता है वो कन्नौज के राजा थे, इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं है। अंग्रेज़ों के दौर में आके जो शाहजहानाबाद था उसको उन्होंने पहले मॉडर्न दिल्ली कहा, फिर उसके बाद उन्होंने उसको ओल्ड दिल्ली कहा, और जब उन्होंने अपने कैपिटल कलकत्ता से यहाँ शिफ्ट की तो उन्होंने न्यू दिल्ली एस्टेब्लिश कर दी, जो अब हम लेटियंस दिल्ली भी कहते हैं। दिल्ली वर्ड का जिक्र बहुत जगह आया है,
मजे की बात यह है कि जितने भी शहर बसाए गए, हमारे पास इंद्रप्रस्थ है, हमारे पास मेहरौली है, लाल कोट किला राय पिथौरा बनाया गया वहाँ, जहाँ पना तुगलकाबाद, सिरी, दिल्ली शेरशाही आती है और शाहजहानाबाद आता है, इन सब जगहों में दिल्ली शेरशाही और न्यू दिल्ली के अलावा कहीं भी फॉर्मली दिल्ली वर्ड का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन रिटन एविडेंस और बाकी सारे रिकॉर्ड्स में दिल्ली एक कॉमन रेफरेंस जरूर रहा है इस पूरे रीजन को, जिसे रेफर किया जाता था।